तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को, और हर छठ की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज संडे है, आज 25 तारीख है, और आज बहुत ही पानी गिर रहा था सुबह से, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, और मैं अब आ गई हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आज बारिश के मौसम में कौन कौन से मेरे फूल खिले हुए हैं। तो आपको दिखाई ही दे रहा होगा कि मेरे बालसम में कितने सारे फ्लावर आए हैं, और पूरे ये रेड कलर के हैं, और भी नीचे सीड लगे हुए हैं। ये देखिए नीचे बहुत सारे उगे हैं, दो कलर के थे लेकिन ये रेड कलर के ही आए हैं फ्लावर इसमें। और ये देखिए इसमें कलियाँ बन रही हैं, छोटी छोटी सी बहुत सारी कलियाँ बन रही हैं। और ये मल्टी पेटल हिबिस्कस रेड वाला, और सामने के प्लांट में फूल आना बंद हो गए हैं। और ये देखिए यहाँ से, तो अभी मैं फूल भी तोड़ूंगी हर छठ के लिए। अभी बारिश थोड़ा सा बंद हुई है तो पूजा करने जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मिर्ची की सीड लगी हुई है बहुत सारे, आगे दिखाती हूँ कितना पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर विनका के फ्लावर बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे गले भी हैं। ये देखिए जो गल जाते हैं उनको आप काट के निकाल दें, और इस तरह से जो फूल सूख जाते हैं इन्हें भी तोड़ के आप निकाल दें। तो फ्रेंड्स, पुनः पानी गिरने लगा है, अब मैं जा रही हूँ नीचे, फिर बाद में आके वीडियो बनाऊँगी, और पूजा भी करना है, लेट हो रहा है पूजा में, तो चलिए बाद में बनाती हूँ, बारिश होने वाली है। तो मैं यहाँ नीचे आके पूजा की तैयारी करने लगी, और पूजा सम्पन्न हो किसी तरह से, आज हम लोग अंदर पूजा किए हैं। और पूजा करने के बाद में मैं फिर से पहुंच गई हूँ छत में, और ये देखिए और भी ज़्यादा पानी भर गया छत में। तो यहाँ पर कुछ जीनिया के प्लांट हैं, इसमें फ्लावरिंग हो रही है, आलमंडा के प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, टिकोमा में थोड़े थोड़े फ्लावर आना शुरू हुए हैं, और यहाँ पर मास्टर रोज के मैंने जो स्टैंड बनाए थे उसमें भी कम फ्लावर आ रहे हैं मास्टर रोज में। और क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही है तो गल जा रहे हैं फूल, भी फूलते हुए भी गल जा रहे हैं। और ये देखिए मैंने चोटी बनाई है मास रोज की, और ये जब बड़े हो जाएंगे तो दूसरे पॉट में लगाऊंगी। कई चोटी बना के मैंने रबड़ लगा के रखी है। और ये देखिए यूफोर्बिया में भी हल्के हल्के फ्लावर हैं, अभी बहुत अच्छे फ्लावर नहीं आ रहे हैं। बहुत सारी कलम मैंने लगाई है, बहुत अच्छा मौसम है, अभी कलम लगाने का आप सितम्बर तक लगा सकते हैं, और पूरे तैयार होते जाएंगे कलम आपके, किसी भी चीज़ की कलम लगाइए आप। यहाँ पर अपराजिता लगा है, और ये देखिए मैक्सिकन पेटूनिया में तो फ्लावरिंग हो रही है, और जो मैं बोगनविला की मैंने जो कलम की थी उसमें अब पत्तियाँ बहुत अच्छे से आ रही हैं, और भी बड़े हो जाएंगे। ये देखिए फोलिया की कलम बहुत लगाई है मैंने, तो ये भी सब तैयार हो गए हैं। इजोरा है, गुलाब है, ये वाला गुलाब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर गुलाब है, और सब गुलाब में तो सभी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन मास रोज में इस समय कम फ्लावरिंग हो रही है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज के मेरे गार्डन का व्यू, और यहाँ पर गेंदा लगा हुआ है और काश्मीर से आगे है, और यहाँ मैंने सीड डाले हैं बरबट्टी के, और कुछ सीड डाले हैं कुंभा के, और टिथोनिया के प्लांट भी लगा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, कुछ काम नहीं हो पा रहा बारिश की वजह से, बस कलम बस लगा देती हूँ हो गया, और कुछ काम नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर आपको दिखाती हूँ ये वाला मेरा जो लगा है हिबिस्कस येलो कलर का, बहुत ही सुंदर कलर है, और हर साल इसकी कलम कोई ना कोई काट के ले जाता है। अब नहीं देख पाते हैं तो किसको बोलें कि कौन ले जाता है कलम। तो ये रहा आज का व्यू, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।